हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट प्राइस। सबसे पहले हैप्पी बिलेटेड होली टू यू ऑल। होप आप सबने खूब मजे किए होंगे। होली के बाद की थकान को दूर करने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक धमाकेदार बैटरी टेस्ट, जहां हमारे पास है आज दो जुड़वा भाई, लिटरली नहीं बट हाँ, आप खुद ही देख सकते हो दोनों फोन आपस में कितने सिमिलर दिखते हैं। खैर, हमारे पास आज चार डिवाइसेज हैं, रियलमी 10 प्रो प्लस, रेडमी नोट 12 प्रो प्लस, रिसेंटली लॉन्च्ड पोको एक्स 5 प्रो एंड ओप्पो का रेनो 8T। सभी फोन्स का मार्केट प्राइस आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख जाएगा इनके वेरिएंट के हिसाब से। आज करेंगे इन सभी का बैटरी ड्रेन टेस्ट, जिसमें आपको इन डिवाइसेस की गेमिंग, चार्जिंग, हीटिंग, परफॉर्मेंस सबके बारे में पता लग जाएगा। और अगर आप पोको X5 लेने की सोच रहे हैं तो आपकी ये कन्फ्यूजन भी इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने कर दिया है तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाने में हमारी मदद कर दें। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सभी फोन्स को 100% चार्ज कर लिया गया है। सभी फोन्स की ब्राइटनेस एंड स्पीकर वॉल्यूम को हम फुल पे रखने वाले हैं, एंड सभी फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। डिस्प्ले की बात करें तो सभी फोन्स में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus में आपको मिलता है 10-bit डिस्प्ले, वो भी Dolby Vision सपोर्ट के साथ। रिफ्रेश रेट की बात करें तो चारों फोन्स में आपको हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है, और हम सभी फोन्स को 120 हर्ट्ज पे ही रखने वाले हैं। बाकी सभी फोन्स को हमने लेटेस्ट अपडेट एंड एंड्रॉइड सपोर्ट के साथ रखा हुआ है। खैर, बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो Realme 10 Pro Plus और पोको में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus में आपको 20 mAh कम 4980 mAh की बैटरी मिलती है, और ओप्पो रेनो 8T में आपको मिलती है सबसे कम 4800 mAh की बैटरी। टेस्ट स्टार्ट करते हैं 2 घंटे के वीडियो प्लेबैक के साथ। तो देखो, सारी स्क्रीन्स AMOLED है तो कंटेंट देखने में आपको सब पे मजा आने वाला है। सारे ही फोन्स में आपको पंची कलर्स देखने को मिल जाएंगे और शार्पनेस भी मिल जाएगी। सभी फोन्स पे आपको डीपर ब्लैक्स भी मिल जाएंगे। ब्राइटनेस भी सबकी ही बढ़िया है, पर अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो Redmi Note 12 Pro Plus पे आपको मिलता है 1 billion कलर का सपोर्ट, तो आपको कलर्स और वाइब्रेंट दिखते हैं, और जो कलर ट्यूनिंग है वो भी बाकी तीनों फोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। बाकी पोको X5 Pro की स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है, HDR वाले कंटेंट तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। विद क्लियर ब्लैक्स एंड हाइलाइट्स आपको नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखने में मज़ा ही आ जाएगा। हालांकि Realme और ओप्पो में कलर्स आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड मिलते हैं, और स्क्रीन की कलर ट्यूनिंग भी थोड़ी सी कूल है, और अगर आपको कर्व स्क्रीन पसंद है तो दोनों डिवाइसेस का जो बेजललेस एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही है। कंटेंट एज टू एज आता है और व्यूइंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है। फटाफट स्क्रीन ब्राइटनेस भी चेक कर लेते हैं। Realme 10 Pro Plus पे 730 nits के आसपास है, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus पे 710 के आसपास है। Poco X5 Pro की बात करें तो 790 से 800 nits के आसपास है, और Oppo Reno 8T पे भी आपको करीब 800 nits की ही ब्राइटनेस मिल जाती है। स्पीकर्स की बात करें तो दोनों Redmi और Poco पे आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है बेस एंड क्लैरिटी के साथ। बट Realme का साउंड लाउड तो है, बट वो जो बेस और थंप होता है ना, वो आपको मिसिंग लगेगा। एंड विद Oppo Reno 8T जब आप 200% का वॉल्यूम बूस्ट ऑन करोगे तो आपको अच्छा खासा लाउड साउंड तो मिल जाएगा, बट आपको वो बेस एंड क्वालिटी जो साउंड में होती है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। खैर, 2 घंटे के बाद ये है बैटरी का हाल। Poco X5 Pro ने सबसे कम बैटरी लूज़ करी है, बाकी सभी फोन्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये एक्चुअल में कितना mAh लूज़ करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने परफॉर्मेंस राउंड पे। तो Realme और Redmi में आपको मिल जाता है Dimensity 1080 प्रोसेसर, जो कि एक मिड रेंजर है और 7 nm आर्किटाइप पे आता है, और Poco X5 Pro में आपको मिल जाता है Snapdragon 778G जो कि 6 nm आर्किटाइप का है और पावर एफिशिएंट भी है। वहीं Oppo में आपको मिलता है Snapdragon का 695 जो इन सब में सबसे वीकेस्ट प्रोसेसर है। खैर, Geekbench राउंड के स्कोर्स आप देख सकते हो। सिंगल कोर में सबसे ज्यादा स्कोर किया है Realme 10 Pro Plus ने, और सबसे कम स्कोर किया है Oppo के Reno 8T ने। बाकी दोनों फोन Redmi और Poco ने सिमिलर सी परफॉर्मेंस दी है, बट नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों Dimensity 1080 फोन्स में आपको काफ़ी रेंज देखने को मिल जाएगी। सो आई कैन से कि Realme का प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर परफॉर्मेंस। खैर, इसे चलते हैं राउंड 2 पे, और यहाँ भी स्कोर्स की कहानी सिमिलर सी ही है। अब चलते हैं सीधे Antutu टेस्टिंग पे, जहाँ पर CPU, GPU, हीटिंग सारी टेस्टिंग एक साथ हो जाएगी। तो Antutu के पहले राउंड का स्कोर आ चुका है, और यहाँ पर सबसे कम स्कोर किया है Oppo के Reno 8T ने। जाहिर सी बात है, सबसे वीकेस्ट प्रोसेसर है इन तीनों फोन्स में। रेस्ट तीनों ही फोन्स का स्कोर
काफी सिमिलर है, बट अगर कंपैरिजन की बात हो तो पोको ये राउंड जीतता है। खैर जल्दी से दूसरा राउंड भी करके देखते हैं कि कोई ड्रॉप आता है कि नहीं। सेकंड राउंड के बाद रेडमी ने थोड़ा सा स्कोर लूज किया है अपना, रेस्ट तीनों डिवाइसेस प्रीवियस स्कोर के आसपास ही हैं। अब एक बार स्टोरेज टेस्ट भी कर लेते हैं। सभी फोन्स में आपको UFS 2.0 स्टोरेज मिल जाती है एंड रीड एंड राइट स्पीड सबसे ज्यादा पोको X5 प्रो में आपको मिल जाएगी और सबसे कम ओप्पो रेनो 18 में। और अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टेस्टिंग राउंड पे, जो कि है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, जहां पर हम चारों फोन्स को 20 मिनट तक तड़पाएंगे। और 20 मिनट बाद आप देख सकते हो Realme, Redmi और Oppo ने काफ़ी सिमिलर सी परफॉर्मेंस निकाली है और 87-88% की स्टेबिलिटी भी दिखाई है। हालांकि चारों फोन्स में आपको थ्रॉटलिंग कम देखने को मिली, पर सबसे ज़्यादा थ्रॉटल किया है पोको ने 82%। पर एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी इसी ने डिलीवर करी है बाकी तीनों के मुकाबले। तो ऑप्टिमाइजेशन में मैं बोलूँगा पोको ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू ऑल द 3 डिवाइसेस परफॉर्मेंस के मुकाबले में। खैर डिवाइसेस को टेस्ट करते हुए 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं। तो 3 घंटे बाद अभी भी तेजी से बैटरी लूज करते हुए चल रहा है Realme 10 Pro Plus एंड सबसे कम बैटरी लूज करी है Oppo Reno 18 ने। अब चलते हैं अपने गेमिंग ग्राउंड पे। तो देखो आपको हाई ग्राफिक्स के साथ 45 FPS का गेम प्ले मिल जाएगा दोनों Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro Plus पे, और Poco और Oppo पे आपको वेरी हाई ग्राफिक्स पे 45 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हो, ये सारे फोन वो हैंडल कर लेंगे। और अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो और लॉन्ग आवर्स का गेम प्ले करते हो तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इस बजट में विच यू कैन गो फॉर द बेटर रिजल्ट्स। खैर गेमिंग का 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और 4 घंटे के बाद ये हैं बैटरी के हाल। रिजल्ट्स आर वेरी मच सिमिलर, Realme 10 Pro Plus ने अभी तक सबसे ज्यादा बैटरी लूज कर दी है। इससे चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पे, जो कि है वीडियो रिकॉर्डिंग राउंड। वैसे तो Realme, Redmi और Poco में आपको 4K के रिकॉर्डिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर Oppo में आप सिर्फ 1080p ही रिकॉर्ड कर सकते हो। हमने सभी फोन्स में आधे घंटे की 1080p रिकॉर्डिंग करी और आधे घंटे के बाद बैटरीज का हाल ये रहा। 4.5 घंटे के बाद दो फोन्स हमारे 30s में आ चुके हैं और सबसे ज्यादा बैटरी होल्ड करी है अभी तक Poco X5 Pro ने। अब इससे चलते हैं हम अपने लास्ट राउंड पे, जो कि है 2 घंटे का सोशल मीडिया टेस्ट, जहां पर हम करेंगे 2 घंटे की सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। खैर 6.5 घंटे के बाद रिजल्ट्स आर डिफरेंट। Poco ने सबसे ज्यादा बैटरी लूज कर दी है, Redmi Note 12 Pro Plus और बाकी के तीनों फोन्स लगभग आसपास की बैटरी पे हैं। तो देखो जो भी फोन्स हमारे यहां तक चल जाते हैं ना, आप मान सकते हो कि वो आपका 1 से 1.5 दिन बहुत आराम से निकाल देंगे इन 1 चार्ज। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे लेके चलता हूं मैं आपको फाइनल बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स पे। तो 7.5 घंटे पे हमारे दोनों फोन्स Realme और Redmi ने दम तोड़ दिया है। 1/2 घंटे के बाद Oppo भी बंद हो गया और फाइनली कुछ ही देर बाद 8 घंटे 12 मिनट पे Poco ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। तो देखो इन जुड़वों की जुगलबंदी से हमें यह समझ में आया कि ये जो Dimensity 1080 है उसे ब्रांड्स को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और दीज डिवाइसेस वोंट एज वेल। आसान भाषा में बोलूँ तो Dimensity 1080 को इन ब्रांड्स को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा हर डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली, सो दैट ये अपनी मैक्सिमम ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस निकाल करके आपको दें बिना बैटरी हेल्थ को डैमेज किए हुए। अब राउंड वाइज ब्रेकअप की बात करें तो आप देख सकते हो कि Realme ने YouTube एंड बेंचमार्क राउंड में काफ़ी बैटरी खर्ची और गेमिंग और सोशल मीडिया राउंड में उसने बैटरी को कम कंज्यूम किया। वहीं Redmi Note 12 Pro Plus की बात करें तो ये हर राउंड में बैटरी लूज करते हुए चल रहा था और कैमरा और सोशल मीडिया तक आते आते तो ये रेड में जा चुका था। बाकी अगर मैं Poco X5 Pro की बात करूं तो आप देख सकते हो कि Snapdragon 778G ने हर राउंड में परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए भी अच्छी बैटरी लाइफ रिटेन करी है। एंड सेम गोज विद Oppo Reno 80। हालांकि इसका परफॉर्मेंस मोड हमने ऑन नहीं किया था ड्यूरिंग द टेस्टिंग, बट अगर आप वो ऑन करते हो तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लीप जरूर मिलेगा, बट फिर आपको बैटरी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। खैर इससे अब बढ़ते हैं चार्जिंग की ओर। तो एक्सेप्ट Redmi, यहाँ पर तीनों फोन्स में आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और Redmi Note 12 Pro Plus पे आपको मिलता है 120 वॉट का फास्ट चार्जर। तो चार्जिंग के 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि सभी फोन्स में चार्जिंग लगभग बराबर सी हो रही है, सभी 20s में ही है। फिलहाल इन्हें थोड़ा और चार्ज होने देते हैं और 15 मिनट में चेक करते हैं कि क्या होता है। तो चार्जिंग के 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि Redmi का 120 वॉट किक इन कर चुका है एज वो पहुंच गया है 71% पे। बाकी अभी सारे फोन्स 40s को क्रॉस करने में लगे हुए हैं। एनीवेज 25 मिनट का मार्क पूरा होते ही Redmi ने अपने 100% भी कंप्लीट कर लिए और 1/2 घंटे के मार्क पर आप देख सकते हो बाकी डिवाइसेस भी 70s से 80s में एंट्री ले चुके हैं। 52 मिनट के मार्क पर Poco और Realme दोनों ही 100% हो गए और 1 मिनट बाद Oppo भी 100% चार्ज हो गया। तो देखो चार्जिंग की बात करें तो यूजुअली 67 वॉट वाले फोन 45 मिनट टू 50 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं गिवन द सर्कमस्टेंसेस, बट Redmi हैज क्रिएटेड अ ग्रेट कॉम्पिटेंस इन द सेगमेंट बाय ब्रिंगिंग 120 वॉट इन द गेम। लास्ट ईयर इनकी ये सीरीज 67 वॉट के साथ शिफ्ट होती थी, पर देखो अगर आपका फोन 25 मिनट में फुल चार्ज हो रहा है तो इट्स अ ग्रेट न्यूज, है ना? बिकॉज यार आजकल का फोन यूजेज काफी बढ़ गया है और घंटों फोन को चार्जिंग पे छोड़ना इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। सो या चार्जिंग में नो डाउट द विनर इज Redmi।
खैर अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो देखो Realme 10 Pro Plus एक न्यूली लॉन्च्ड डिवाइस है 25K में आपको मिल जाता है। कर्व्ड बेजललेस स्क्रीन इस रेंज में बहुत कम ब्रांड्स ऑफर करते हैं। सो अगर आपका प्राइमरी यूज इज वॉचिंग द कॉन्टेंट देन यू कैन गो फॉर इट। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि बैटरीज काफ़ी जल्दी लूज करता है, विच आई एम श्योर Realme गोना फिक्स सून विद सम अपडेट। अब बात करें अगर Redmi Note 12 Pro Plus की, तो इसमें भी आपको Dimensity 1080 मिलता है विद मच बेटर स्क्रीन एंड ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस। बट विद 120 वॉट चार्जिंग द कॉम्बो बिकम्स ग्रेट। और अगर आप फास्ट चार्जिंग प्रेफर करते हो तो देन यू शुड श्योरली गो फॉर दिस वन। बट इफ यू लाइक परफॉर्मेंस ओवर बैटरी एंड एक ओवरऑल अच्छा फोन इन लेस बजट देन Redmi, देन Poco X5 Pro टेक्स द लीड एक्सेप्ट द चार्जिंग एरिया। और अगर आपको सेल्फीज खींचना पसंद है एंड यू ऑल्सो लव द कलर ओएस ऑप्टिमाइजेशन, देन ओनली यू शुड गो फॉर दी ओप्पो रेनो 8T। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया, ओप्पो या Redmi। और ये भी कमेंट करके बताएं कि और कौन से फोन्स का बैटरी टेस्ट आपको देखना है। फिलहाल दो बैटरी टेस्ट और पाइपलाइन में है, सैमसंग S23 अल्ट्रा विद द फ्लैगशिप फोन्स एंड iQOO Neo 7। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो, सो दैट उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट बैटरी टेस्ट में।